हेलो एवरीवन, अक्षय हियर एंड वेलकम बैक टू टेक बाइंडर्स, अ न्यू डे अ न्यू अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास यहाँ पे है चारबोल का 550 नेक बैंड। सो इस नेक बैंड में कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो आपको अभी तक किसी और नेक बैंड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट प्री लोडेड म्यूजिक नेक बैंड, वाओ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइब्रेशन ऑन कॉल देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैंने बहुत से नेक बैंड TWS ईयरफोन अनबॉक्स कर लिए इस चैनल पे, बट मुझे अभी तक किसी भी नेक बैंड में वाइब्रेशन कॉल अलर्ट का फीचर देखने को नहीं मिला। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा नेक बैंड होने वाला। कुछ और भी यूनिक फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कंटेंट्स की। बॉक्स का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट प्रीलोडेड म्यूजिक नेक बैंड, और साथ ही साथ बैक साइड में यहाँ पे आपको इसके कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल। सो अनबॉक्स करने पे यहाँ पे आपको ये नेक बैंड देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे ब्लैक एंड रेड कलर का नेक बैंड है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स, एक USB-C चार्जिंग केबल और साथ ही साथ यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड और एक थैंक यू कार्ड देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। सो इनका जो डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा लगा। ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरबड्स मेटालिक डिज़ाइन के साथ आते हैं, और यहाँ पे आपको फिन टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स टाइप के पर्सन हैं तो ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छे होने वाले, काफ़ी अच्छी फिटिंग देने वाले हैं। ईयर टेस्ट बहुत ही सॉफ्ट हैं, सिलिकॉन के बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पे आपको फ्लैट वायर केबल देखने को मिलेगी जो कि रेड कलर से डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो नेकबैंड है वहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया, फोल्डेबल डिजाइन के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं इनको इजिली फोल्ड कर सकते हैं, सो दे आर नॉट गोना ब्रेक। अगर यहाँ पे मेटालिक डिजाइन मिलती तो बहुत ही बढ़िया होता। प्लास्टिक डिजाइन है राइट नाउ, स्टिल यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज किया। ड्यूरेबल होने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। फ्लैट वायर केबल है तो आसानी से टैंगल नहीं होगा और बहुत ही जल्दी ये खराब नहीं होने वाला। काफी लाइट वेट है, समवेयर अराउंड 35 ग्राम के आसपास आते हैं। केबल लेंथ की बात करें तो ठीक है, ना ज्यादा लंबी है ना छोटी है, आसानी से आपके कान में आ जाएगी और बहुत ज्यादा वेस्टेज यहाँ पे केबल देखने को नहीं मिलेगी। सो इट्स प्रीटी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, साउंड क्वालिटी। सो यहाँ पे आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। सो बेस काफी अच्छा होना चाहिए था, बट स्टिल मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला साउंड क्वालिटी पे। बेस अच्छा है, बहुत ही बढ़िया नहीं है। यहाँ पे दो मोड देखने को मिलेंगे, बैलेंस एंड बेस बूस्ट मोड। सो बैलेंस मोड इज प्रीटी गुड। बेस बूस्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रफ एक्सपीरियंस देखने को मिला, यानी कि आपका बेस है वो ओवर पावर कर लेता है वोकल्स को, और जो आपके वोकल्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देने वाले हैं, थोड़े से हैवी हो जाते हैं। सो डेफिनेटली बेस बूस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट यह बैलेंस मोड काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बैलेंस मोड में वोकल्स की बात करें तो बढ़िया देखने को मिलते हैं, हाइज इतने अच्छे नहीं है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज मोर ऑफ लाइक एवरेज, मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफरेंस या यूनिकनेस नहीं देखने को मिला। वो जो शार्पनेस होती है वो यहाँ पे मुझे मिसिंग देखने को मिली। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। इस प्राइस रेंज में आपको कुछ ऐसे नेकबैंड देखने को मिल जाएंगे जिनकी साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो मेरे हिसाब से ये नेकबैंड आपके लिए नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो यूनिक फीचर था, इसमें आपको 1001 गाने प्रीलोडेड देखने को मिलेंगे सोनी म्यूजिक की तरफ से। तो जो क्वालिटी है गानों की काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आपको जॉनरेस में देखने को मिलेंगे। सो अगर आप डिवोशनल गाने सुनते हैं, आपको चाहिए, आपको नए गाने पसंद हैं, रोमांटिक पसंद है, मेलोडी पसंद है, तो सारे तरीके के यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। और लगभग 50-100 गाने के आसपास आपको एक एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इस नेक बैंड के बारे में मुझे ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, वो भी प्री लोडेड। लेट्स टॉक अबाउट द नॉइस इंसुलेशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली पैसिव नॉइस इंसुलेशन देखने को मिलेगा, कोई भी एक्टिव या ENC देखने को नहीं मिलेगा। पैसिव नॉइस इंसुलेशन इज मोर ऑफ लाइक एवरेज। यहाँ पे अगर आप 50% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो समवेयर अराउंड आपको 60-65% का नॉइस आइसोलेट कर देगा। 75-80% पे जाते हैं तो समवेयर अराउंड 85-90% का नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बटन रिस्पॉन्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको बटन रिस्पॉन्स काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। आपको क्वाड बटन सेटअप देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट इज पावर ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे जो सर्कल मार्किंग है इससे आप आसानी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपने ईयरबड्स को। बाकी आपको प्ले पॉज वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की बटन देखने को मिल जाएंगी। सिंगल टैप करते हैं तो प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप को सिंगल प्रेस करते हैं या वॉल्यूम डाउन को सिंगल प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो वॉल्यूम को आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें बैलेंस्ड एंड बेस बूस्ट मोड है, तो उसमें आसानी से आप स्विच कर सकते हैं।
डबल प्रेस करके इस सर्कुलर बटन को जो कि है टॉप में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी कॉल क्वालिटी की। यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप वॉइस एंड वीडियो कॉल में इनको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइब्रेशन अलर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जैसे कोई इनकमिंग कॉल आता है जो राइट साइड का पोर्शन है वो वाइब्रेट करने लगे, यानी कि जहाँ पे बटन कंट्रोल्स है उस पोर्शन में आपको वाइब्रेशन फील होगा, तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है। ये फीचर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था मेरे जैसे यूजर्स के लिए, क्योंकि मैं नेकबैंड को गले में पहन के रखता हूँ, ईयरबड्स को लगा के नहीं रखता हूँ हमेशा, तो जब भी मेरे पास कोई कॉल आएगा तो डेफिनेटली मुझे फोन को टच नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मुझे पता चल जाएगी कि मेरे पास कॉल आ रहा है। अगर इवन मेरा फोन साइलेंट में भी है तो भी ये फीचर काफी बढ़िया, या फिर मैं बहुत ज्यादा भीड़ इलाके में हूँ जहाँ पे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सो दिस वन इज रियली हेल्पफुल कि आपको वाइब्रेट करेगा, आसानी से आप कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं आप इस नेकबैंड का माइक्रोफोन टेस्ट और देखते हैं कि आउटडोर्स में जो उसका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है वो कैसा है। सो राइट नाउ हमें आउटडोर्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ढेर सारा बैकग्राउंड नॉइज देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 65 dB के आसपास बैकग्राउंड नॉइज देखने को मिलेगा। तो अभी जो आवाज सुन पा रहे हैं वो आ रही मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से, 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट रोड वीडियो माइक्रोफोन, और अभी जो आवाज सुन पा रहे हैं वो आ रही मेरे स्टार बुल नेकबैंड से, 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट स्टार बुल 550 नेकबैंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से अपने फोन के साथ पेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे ये शो करने वाला है। इसके अलावा जैसे ही आप प्रीलोडेड सॉन्ग में शिफ्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि डिले इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, सो काफी फास्ट है। कंफर्टेबिलिटी लेवल की बात करें तो सुपर देखने को लगा, सो यहाँ पे इवन आपको फिनटिप्स भी देखने को मिलेंगे, सो ग्रिपिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, और एर्गोनॉमिक डिजाइन है, साथ ही साथ सिक्योर फिट के साथ आता है, आसानी से आपके कान से फॉल आउट नहीं होंगे, और लॉन्ग आवर्स तक इनको आप यूज भी करते हैं तो कोई भी ज्यादा पेन देखने को नहीं मिला। सो ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस नेकबैंड के बारे में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने एमएच की बैटरी यूज की है, बट जो उसका प्लेबैक टाइम है वाओ मैसिव है, अराउंड आपको 35 घंटे का प्लेबैक टाइम ये क्लेम करते हैं एट 50% वॉल्यूम, बट जब मैंने टेस्ट किया तो समवेयर अराउंड मुझे 30 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, सो आसानी से आप इसको चार्ज कर पाएंगे, 10 मिनट अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलेगा, फुल चार्ज ऑलमोस्ट ये 1 घंटे में हो जाएंगे थैंक्स टू USB-C। बात कर लेते हैं इनके डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग की, तो यहाँ पे आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आप देखेंगे जो चार्जिंग केस है यहाँ पे कवरिंग देखने को मिलेगी। IPX5 का मतलब है कि यह स्वेट प्रूफ, यानी कि जिम में अगर आपको पसीना आता है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, चेक कोई भी इशू नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिम फ्रेंडलीनेस की बात करें तो डेफिनेटली दीज नेकबैंड आर जिम फ्रेंडली, सो बहुत ही अच्छी और सिक्योर फिट के साथ आता है थैंक्स टू दिस ईयरफोन टिप्स। चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड आखिरी कैटेगरी के बारे में, वो है गेमिंग रिस्पॉन्स। जी हाँ, डेफिनेटली अगर आप इनको गेमिंग में यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेटेंसी काफी मिनिमम है, समवेयर अराउंड सिमिलर लेटेंसी देखने को मिलेगी किसी और नेकबैंड या TWS ईयरफोन से अगर आप कंपेयर करते हैं, सो 300-350 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी इस नेकबैंड में आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी है। सो फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI जैसे गेम खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलेगा, कोई भी स्टटर या फिर आपका कनेक्शन ब्रेकेज देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को समराइज और जानते हैं क्या ये नेकबैंड है आपके लिए या फिर नहीं। सो डेफिनेटली अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा नेकबैंड जिनकी फिटिंग काफी अच्छी हो, जिनका बैटरी लाइफ बहुत ही तगड़ा हो, कॉलिंग रिस्पॉन्स अच्छा हो, वाइब्रेशन अलर्ट के साथ आता हो, और अगर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है या आपने ब्लूटूथ फोन के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो प्री लोडेड म्यूजिक देखने को मिलेंगे, वो भी सोनी म्यूजिक की तरफ से, तो जो उनका साउंड क्वालिटी है, जो इनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये नेकबैंड है आपके लिए। बेस्ट बाय लिंक्स इस नेकबैंड की आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। किसी और नेकबैंड के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, और अगर आपको कोई भी सुझाव है, क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।